2013 में भाजपा से विधायक रहे अजीत सिंह मेहता को 2023 के अंदर वापस भाजपा ने अपना टिकट दिया है, उनको टोक से अपना प्रत्याशी बनाया है। 2018 में भी उनको टिकट दिया गया था, लेकिन यूनुस खान को अनायास टिकट देने के बाद उनका टिकट काटा गया था। आज उनके समर्थकों में यहाँ भारी जोश नजर आ रहा है, भारी उत्साह नजर आ रहा है। आप खुद माहौल देख सकते हैं, हम बात करते हैं लोगों से किस तरह का जी। बहुत ही भारी मतों से टोंक विधानसभा से अजीत मेहता चुनाव जीत के जा रहे हैं। वो स्थानीय के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और घर घर उनके आपस में प्रेम है। हर गांव में आज 5 साल उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने के बाद भी गांव गांव डाणी डाणी वो शादी ब्याह बैठे उसमें गए हुए हैं और भारी मतों से चुनाव जीत के जाएंगे और चुनाव जीत विधायक ही नहीं बिल्कुल मंत्री बन के जाएंगे सिविलियन 11 नंबर में। मुकाबला सचिन पायलट से है, ऐसे में क्या कहेंगे? पायलट साहब एक बाहरी प्रत्याशी है और पायलट साहब हवा के जैसे आते हैं। पायलट साहब का टिकट घोषित होने के बाद भी आपने देखा था जिस प्रकार पायलट साहब की घोषणा हुई टोंक की जनता में कोई उत्साह नहीं था। और एक आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार स्थानीय प्रत्याशी अजीत सिंह मेहता जी का टिकट की घोषणा हुई पूरा टोंक रोड पे है। निश्चित ही अजीत सिंह जी मेहता भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन टिकट के अंदर बहुत लेट हुआ है, बहुत देर घोषणा हुई है। जैसे कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है, इस तरह हमें लगा कि सबर का फल मीठा होता है। हमारे हक में फैसला हुआ और पार्टी का निर्णय था, हमें सम्मान नहीं है। देखिए यहाँ भाजपा के अंदर अंदरूनी लड़ाई भी बहुत है, ऐसे में कैसे अब ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक साथ है और मेहता जी को भारी मतों के साथ विजय करवाएंगे, भारी मतों के साथ। 2018 के अंदर उनका टिकट काटा गया और टिकट काटे जाने के बाद से उनके कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, क्या लगता है आज वो नाराजगी दूर हुई है? हर तरह से नाराजगी दूर हुई है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 11 वोटों से जीत के जाएगी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। पहले ये कह रहे हैं कि 54,000 वोटों से मैं कई बार जीता था, इस बार उससे भी ज्यादा वोटों से जीतूंगा और आज अजीत सिंह मेहता को वापस टिकट दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए 2018 में भी टिकट काटा था, जब हम टिकट लेने गए थे हमने कहा था कि पायलट साहब को हम टोंक से पहले ही फेज में हरा के भेजते, लेकिन हमारा समय आ गया है, आज वो समय आ गया है जो 18 का हम बदला लेंगे और पायलट साहब को टोंक से अलविदा करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। भाजपा के कार्यकर्ता जिनका जोश देखने लायक, इनका कहना है कि 2018 में जो अजीत सिंह मेहता का टिकट काटा गया था और जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी वो आज नाराजगी पूरे जोश में बदली है और इस बार ये सचिन पायलट की राह के अंदर मुश्किल बनेंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।